हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जीके है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉली उमरिगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है क्रिकेट में दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है सी, मुंबई। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है भाग दो, भाग पाँच, भाग तीन, भाग चार। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, भाग चार। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपका ऑप्शन है कार्य का अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वस्तु एवं सेवा कर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका राइट आंसर ए है, असम। असम राज्य का पर्व है बिहू पर्व। छठा क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? आपका ऑप्शन है 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है डी, 9 दिसंबर 1946। सातवां क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 2003 में, 2004 में, 2006 में, 2007 में। इसका राइट आंसर है ए, 2003 में। आठ नंबर का क्वेश्चन है, मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया, वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर ए है, पंजाब नेशनल बैंक। नौ नंबर का क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। दस नंबर का क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपका ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, धान उत्पादन से, फल उत्पादन से। इसका सही आंसर है ए, तिलहन उत्पादन से। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? आपका ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ए, केंद्रीय वित्त मंत्री। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी,
इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर ए है मोहम्मद बिन तुगलक। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में रक्त चाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है डायोप्टर, स्फिग्मोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ब्लड मीटर। इसका राइट आंसर है बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने शांडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है बी, लद्दाख। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र अर्थात वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? आपका ऑप्शन है भारत के राजनीतिक मामले, भारत में रेलवे का विकास, भारत में औद्योगिक वृद्धि, भारतीय शिक्षा। इसका राइट आंसर डी है, भारतीय शिक्षा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपका ऑप्शन है पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका राइट आंसर है बी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? आपका ऑप्शन है पटेला, इनकस, एस्टेपिस, मैलियस। तो इसका राइट आंसर ए है, पटेला। 18 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है कोबाल्मिन, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लोविन। इसका राइट आंसर है ए, कोबाल्मिन। ए ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। इसका राइट आंसर है सी, केरल। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।